भाइयों, ये जगह हमने खूब देख ली, तस्वीरें वस्वीरें खिंचवा ली है। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो रहा है क्योंकि हमें आगे जाना है और अभी चेयरलिफ्ट को भी एक्सप्लोर करना है, उस पर भी बैठेंगे इंशाल्लाह। और हाँ, मेरा मुँह कड़क हो गया, दरअसल बर्फ़ लगी है मुँह पे, तो इसकी वजह से मुँह थोड़ा सा जाम जाम सा हो रहा है। ओह, सर्दी बहुत है, बाकी खूबसूरती भी बहुत है भाई 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 भाई, भाई। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वहाँ मुलाकात करते हैं आपसे। बोला नहीं जा रहा मेरे से, मुँह अकड़ा अकड़ा सा हो रहा है ना, बोला नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट पॉइंट पे मुलाकात करते हैं। भाई साहब, उधर से वापस जा रहे थे, बहुत स्लिपरी रोड हुए हैं, तो अब हमारे ड्राइवर भाई चेन का इंतज़ाम कर रहे हैं क्योंकि चेन के बगैर अब शायद गुजारा नहीं होगा। चेन लगा रहे हैं, देख लें आप, और ये जगह देख लें। आय हाय हाय, ये वो जो हम लोग लगाते हैं ना कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, वॉलपेपर्स, बिल्कुल वो वाला लुक है यार, बिल्कुल वो लुक है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यार। आह, चलें, चैन लग जाती है फिर देखते हैं। बल्कि चैन लगता है, आपको दिखाते हैं चैन कैसे लगती है। ये लगा रहे हैं चैन, भाई साहब एक्सट्रीम बर्फबारी हो रही है और देख ले गाड़ियों में चेनें लग रही हैं, बड़ी मुश्किल से ऊपर आई है, अभी उस गाड़ी में लगी है, उस गाड़ी में भी लग रही है, और बर्फबारी का हाल देखना है यार, एक्सट्रीम हुई है इस वक्त। ये देखें, हमारे पाँव भी भर चुके हैं और बर्फबारी का लेवल बहुत ख़तरनाक हुआ है भाई। ओह, सर्दी लग रही है और मज़ा भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं आ रहा, ये आप देख सकते हैं। अल्लाह अकबर, ये हमारी एक गाड़ी ये थी और एक गाड़ी ये थी, तो इस गाड़ी की चेन में मसला हो रहा है, हमारी वाली गाड़ी की तो चेन लग चुकी है। आप ये देखें कितनी बर्फबारी हो गई है, ये पहले नहीं थी, जाते वक्त इतनी नहीं थी, अभी हुई है ये, क्योंकि इतनी तेज़ बर्फबारी हो रही है, ये आपको नज़र भी आ रही होगी वीडियो में, हमारे हाथ जाम होते जा रहे हैं, तो ये दिखाना था, सोचा आपको दिखा दूँ। A few moments later, भाई आ गए वहाँ से और अभी समझ लो दोबारा से चेयरलिफ्ट वाली साइड पे आ गए, और चेयरलिफ्ट वाली साइड पे चेयरलिफ्ट में जाएंगे, यहाँ पे बड़ी खतरनाक बर्फबारी हो रही है, इसमें देख रहे ऊपर हेड भी आया हुआ, बट देख लो ये कंडीशन देखें गाड़ियों की, दिस इज द कंडीशन। इंशाल्लाह चलो चेयरलिफ्ट पे चलते हैं, फिर वहाँ देखते वीडियो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। जा रहे हम लोग चेयर उसके लिए, और ये चेयर लिफ्ट के अंदर आ गए, और ये इस तरह से जाना पड़ रहा है ज़िगज़ैग करके। अबे सीधा सीधा बना देते भाई, इतना घुमा फिरा के क्यों लेके जा रहे हो। फाइनली गोइंग टू सीट इन द चेयर लिफ्ट ऑफ मालम जब्बा, दिस इज मालम जब्बा, दिस इज पाकिस्तान। इमरान भाई, आर यू रेडी? I'm always ready, excited as well. Yeah, ready. बर्फ 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 चारों तरफ बर्फ, वहां से जाना पड़ा शायद। बैठने वाले हैं हम लिफ्ट में, पर दुआ करना मेरा मोबाइल ना गिरे। चला जा 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 चेयर लिफ्ट गोइंग टू अप, मजा आ रहा है, हैवी हैवी, मोबाइल टाइट पकड़ी नीचे ना गिर जाए। ओ मोबाइल मेरा गिर गया तो क्या होगा, 10 दिन की व्लॉगिंग की है और सारी गई, सारी चौपट हो जाएगी, जितनी भी व्लॉगिंग की है सारी चौपट हो जाएगी, 10 दिन की व्लॉगिंग चौपट हो जाएगी। अच्छा मुर्शिद भाई, आपको क्या लगता है इतना जो मतलब शुरू से जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि पैसे हमारे वसूल होंगे मालम जब्बा में, इतने दिन जो हम घूमे, वॉट इट फॉर ये? या मैं मुझे यकीन करें हम तकरीबन 10 दिन से आए हुए, और मुझे 2-3 प्लेसेस अच्छे लगे, ये जगह अच्छी लगी, इसके अलावा हम जो गए थे वो माउंट रेड लेक गए थे, वो जगह के पैसे पूरे हुए, और उसके अलावा एक और जो जगह थी जो हम ऊपर पहाड़ पे चढ़ के गए थे
सिरी लेक वो जगह सरी लेक वो जगह अच्छी थी। तो ये सीन है, थोड़ा सा हाथ कैमरा में हाथ तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा कैमरा हाथ। ये देख ले भाई, ये व्यू है हमारे चेयर लिफ्ट का। वैसे जिन जिन को हाइट फोबिया है, जिन जिन को हाइट फोबिया, उनके लिए थोड़ा सा है ड्राउना और रिस्की। और हाथ दुख गया तो मेरा, मैंने अपना हाथ चेंज कर लिया अगेन। मैं दिस इज चेयर लिफ्ट ऑफ मालनजब्बा। भाई साहब सर्दी भी लग रही है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि ऊंचाई पे हम मुरसल भाई हम लोग अगर यहाँ कूदे तो क्या होगा। तो मेरे हिसाब से हम जिस गाड़ी में है उस गाड़ी में नहीं जाएंगे। हाँ अच्छा, एक और चीज, पिछली बार जब हम आए थे तो अभी तो खैर यहाँ पे 25 दिसंबर को हुई है स्नो। सही है। और अभी हुई है। अच्छा, तो इतना है नहीं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। यार मुझे तो ज्यादा लग रही है। ठीक है, लेकिन ये पूरा स्नो में कवर्ड होता है और यहाँ पे जो वो आते हैं एक्सपेडिशन आती है। हाँ। वो यहाँ पे स्नो वो करते हैं अपना ट्रैकिंग और क्या कहते हैं उसको अपना दूसरा में बोल रहे स्केटिंग वेटिंग करते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये आप समझ लें कि अभी बर्फ कम है। अच्छा। नेक्स्ट मंथ जब हम आएंगे जनवरी में। हाँ। तो फिर आपको पूरा जो है वो ये कवर्ड मिलेगा स्नो में। अच्छा इमरान भाई, थोड़ा सा हाइट से डर लग रहा है, इसका क्या मतलब? मुझे हाइट फोबिया? नहीं, ये हम लोग ओपन है ना, आप अपनी टांगों के नीचे ना देखें। नहीं, मैं टांगों के नीचे देख रहा हूं। फ्रंट देख ले, फ्रंट कोई मसला नहीं है, फ्रंट ही देख रहे हैं हम। लेकिन फिर भी भाई ऊंचाई पे हैं हम, अच्छी खासी। नहीं, यहाँ से गिर के खैर बंदा मरता नहीं है, नीचे बर्फ में ही गिरता है। बर्फ क्या, इतनी बर्फ थोड़ी है कि बर्फ बचा लेगी हमें। भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ आ गए, अब दोबारा उस तरफ जाना है। लेकिन यकीन करें जब उतरे थे तो हमारी टांगों में जान नहीं थी, ऐसी खतरनाक बर्फबारी हुई है। सामने देखा, सामने फिर वहाँ पे पिछले साल जब हमारे हम लोग वहाँ पे गए थे, वहीं से स्केटिंग होती है, नीचे जाते हैं लोग। अच्छा, लेकिन अभी नहीं जा सकते भाई, अभी बहुत सर्दी हुई है, बहुत ज्यादा सर्दी है। हाँ। नहीं, सर्दी तब भी होती है, लेकिन ये बेहतर वो चार पांच अभी बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गई है ना, जिसकी वजह से भाई बहुत ज्यादा ऑफ सीजन हो जाएगा हवा गए तो, और देर भी हो जाएगी क्योंकि बताया जा रहा है कि भाई जिस चीज जल्दी हो सके इस तरफ से निकल जाए क्योंकि बर्फबारी का अंदेशा बहुत ज्यादा है। अब हम जा रहे हैं वापस चलने के लिए, हमें वापस जाना पड़ेगा, वापस जाने के लिए हमें चलना पड़ेगा। मेरा मुझसे अल्फाज भी सही नहीं निकल रहे। अल्लाह क्या क्या टेम्परेचर क्या यहाँ का? कितना माइनस में कितना होगा? माइनस टू बोल रहे भाई, मुझे नहीं पता कितना है। चले अब चलते, वापसी जाने की तैयारी करते हैं यहाँ से। यार अगर मेरा कार्ड पता नहीं कहाँ है भाई। वापस आ गए चेयर लिफ्ट से, इतनी बर्फ हम पे गिरी है कि हम बर्फ में ढक चुके थे, उतरती अपने आप को पहले झाड़ा जूतों में, अभी भी बर्फ हो रही है। और बर्फ इस वक्त खतरनाक वाली हो रही है। मालम जब्बा जब्बा, अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ क्योंकि अब यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी में बैठना है और होटल जाना है। ये मालम जब्बा का पीसी और ये हम है, है, है। चलो मुलाकात करते हैं अगले स्टेप पे। भाई बर्फबारी की वजह से हमारी हाईएस्ट वाला जो हमारी गाड़ी वाला था वो गाड़ी उतार ली उसने नीचे, तो उसने बोला भाई अब आप लोग आएंगे पैदल, तो पैदल की वॉक चल रही है ऊपर वाला जब से ग्रीन व्यू होटल आ गया। लेकिन गाड़ी अभी और नीचे क्योंकि बर्फ़ पड़ चुकी है, जब हम आए थे तब बर्फ़ नहीं थी लेकिन हमारे पहुँच ही बर्फ़ स्टार्ट हुई है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी वाले ने गाड़ी को अच्छा था उसको बोलते हमारी गाड़ी नीचे लेकर रिस्क फैक्टर 0% होना चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है साहब अपने अपने घर से अच्छा एक टूर करने आए, तो हमने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए गाड़ी वाले को नीचे भेज दिया। तो पैदल की वॉकिंग हो रही है, ये देख ले ये वो गाड़ियाँ आ रही हैं जिनकी चेन वन लगी होती है और जिनका डेली का यहाँ पे जिनका डेली का रूट है, ये वो गाड़ियाँ डेली के रूट वाली नहीं है, जाहिर सी बात है वो नीचे जा चुकी हैं। उम्मीद
उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो सर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो ऑन टाइम मिलती रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर दें पेज को, और फेसबुक पे भी वीडियो को लाइक कर दें सर। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।